तो ये भी अब मेरी फेवरेट चीज़ों में शामिल हो गई। चलिए आटा को मैंने गूंद लिया है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है हमने ये देखें। इमली की चटनी बनाने के लिए ना मैंने कुछ मसालों को मैं भी खाने लगी हूँ खाना मैं अपना ले आई हूँ यहाँ पे। सबने खाना खा लिया है, बस अभी मैं ही रह गई थी। तो ये देखें कुकू भी यहाँ पर मेरे साथ ही आ गया, इसने भी खाना खाना है। कुकू अच्छा पहले ना मैं इसे एक निवाला यहाँ से दे देती हूँ। आ जाओ कुकू, ये लो, ये चला गया। कितने भी बिस्मिल्लाह करते हैं, खाना खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआओं से अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। दुआ अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक हम सबको कभी भी किसी का मोहताज न करे, आमीन या रब। मैं भी करने लगी हूँ नाश्ता, और कल जो मैंने आलू बनाए थे वही मैं नाश्ते में खाने लगी हूँ। और थोड़ा सा मैंने आज ना इसको देसी टच दिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा मक्खन डाला है देसी टच दे के, और रोटी को भी मैंने थोड़ा सा मक्खन लगा लिया। दुपट्टा मेरा, ये सब आप बैग, मेरे पाउच, अंदर जाके आपने सब घर बनाया है, यानी आपने घर बनाया है मेरे चीजों का, बताओ मुझे। अरे जब बार बार कपड़े खींचती हो ना, मैंने पता नहीं अपना तो खराब होगा। और के साथ खेलो, लेकिन वैसे आप जिस ऐसे दुकान में आप इसमें ले नहीं सकती, बनवाना पड़ेगा एक कबट वाला हाउस बनाते लिए। मैं पापा को बोलूँ आपको एक कबट वाला हाउस बना दे, मनी भी नहीं लगेंगे पापा को बनाने आता है। हानिया आपने जाना नहीं है पढ़ने, आप भी इसके साथ आके बैठ गई हो। मलाक एनओ बाय बाय। ये क्या हो रहा है दोनों बहनों के बीच में? हाँ वो तो ऐसी जगह ढूंढती रहती है। हानिया आप तो बाहर आ जाओ, आपका जाने का टाइम हो गया। ये देखो मेरा रमजान का ये है, अब आया। इसने साथ जाने से साथ लेके जाए अपने। मलाक कुकू भी बैठा है उधर बन ठन के, इसने भी जाना है साथ में। बाय बाय बोल दो, अच्छा मम्मा को बाय बाय कर दो। बाय बाय जाओ, अबू के पास जाओ। अभी मुस्तफ़ा और हानिया जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तमन्ना और मोना आज नहीं जा रही है। मोना के आज कुरान पाक के एग्जाम है, तो मोना ने छुट्टी कर दी, तमन्ना ने भी छुट्टी कर ली। और हानिया माशाल्लाह आज हानिया के टेस्ट में कितने मार्क्स लेकर आई हो आप? 20/20। अरबिक का इसका टेस्ट हुआ और ये 20/20 लेकर आई है माशाल्लाह। मला को क्लैपिंग करो, क्लैपिंग करो, मला को क्लैपिंग करके दिखाओ मम्मा को। चलो क्या चाहिए आपको? वो देखो पिजन बैठा हुआ है सामने, पिजन बुला रहे हैं आपको। आज आपकी ऑयलिंग कर दूं। आज जल्दी से ले आओ, बोतल भी ले आओ साथ में, पकड़ो इसको। शाबाश, आ जाओ आपकी मैं ऑयलिंग करवा दूं। पहले आपने खेलना है, ठीक है? खेलने के बाद ना फिर आपने नहाना है। चलो आराम आराम से नहा दिया, हम मलाको की फोन ही उतारते हैं। ये पकड़ो। शाबाश, चलो दूसरी वाले भी पकड़ो। ये लो, ये भी मम्मा ने। हाँ ये आप लगाना है हमने मलाको ऑयल, और मलाक सुकून से बैठ के ना अपने बालों में मसाज करवाएगी, सही है? छोटा बच्चा मम्मा का अच्छा लग रहा है मेरे बच्चे को। सुकून से कैसे बैठ गई है? ऐसा लगता है मेरी मलाक को बहुत ज्यादा थकी हुई और अभी ये रिलैक्स फील कर रही है ना, नींद आ रही है आपको? चॉकलेट खिला के ना तमन्ना ने इसको, चॉकलेट खिलाई है ना तमन्ना आपने इसको, है ना? बिस्किट ले, चॉकलेट खिलाइए। बिस्किट दिया, मैं जितना इसे मना करती हूँ ना कि इसे मीठी चीजें मत दिया करो ना, और ये छुपके छुपके चोरी चोरी ना ये मुझसे फिर ये इसको चीजें ये दे देती है। मलाक की मैंने ऑयलिंग करवा दी है, और इसके मैंने एक छोटी सी पोनी भी लगा दी, वही पोनी मैंने जो इसकी उतारी। आ जाओ। रात को ना ये हमारी चीजें फ्रीज नहीं हुई थी, थोड़ा टाइम ले लिया था इन्होंने, तो मैंने इन्हें छोड़ दिया था। मैंने कहा बस सुबह ना उठ के तो फिर मैंने जिप लॉक बैग में डाल के रख दूंगी फ्रीजर में दोबारा से। तो खैर अभी ये हमारे बिल्कुल परफेक्ट बने हुए, तो जल्दी जल्दी से इनको निकाल के इसमें डाल देती हूँ। मैं यहाँ पर जो लेमन के मैंने आइस क्यूब्स बनाए थे वो, और ये शाही कबाब देखिए कैसे बने हैं छोटे छोटे से। एक प्लेट में आप लेकर आई हूँ, और इनको ना हम कर देते हैं ऐसे। मैंने आइस क्यूब्स हमने निकाल लिए, और वो मैंने जल्दी जल्दी फ्रिज में भी रख दिए, क्योंकि वो फ़ौरन ही ना पिघल रहे थे। तो मैंने कहा जल्दी से रख दो, ये ना हो कि हमारी पूरी जो मेहनत है वो ज़ाया हो जाए। तो चले अभी शामी कबाब रख देते हैं हम। खैर इनका तो कोई मसला भी नहीं है माशाल्लाह, देखें कितने अच्छे से फ्रीज हो गए हैं हमारे शामी कबाब।
माशाल्लाह ये तो काफी सारे हो गए। ये जिप्लॉक बैग भी बड़ा है छोटा नहीं है, लेकिन फिर भी यानी अच्छे खासे बन गए कल। चलें बस ये जो है ना हमारे लास्ट रह गए, बाकी सारे डाल दिए। अब ये बंद भी होगा कि नहीं होगा, मैं डालती तो जा रही हूँ इसमें। चलें देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं कि बंद होता है कि नहीं। इसमें लाया फूल भर गया माशाल्लाह, ये हमारा पूरा माशाल्लाह ये बंद हो गया है, काफी क्वांटिटी में बढ़ गया है। ये मलाक को मैंने नहला दिया है, ब्लैंकेट भी चाहिए इसको। हाँ तो ये रो रही थी, बस मैंने कहा इसका अपने सोने वाला मूड बन गया है, जैसे नहाई है ना सोना है इसने मुझे लगता है। मलाक को लाइट ऑफ कर दूं? क्योंकि ये है खुशबू वाली सेवैया, इसलिए बच्चे पढ़ के वापस आ गए हैं, कुरान पाक भी पढ़ के वापस आ गए हैं, तो फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ मीठा बना दूं। मैं वैसे मेरा भी दिल कर रहा था और बच्चों का तो फेवरेट होता ही होता है मीठा, तो बस ये सेवैया थी। वैसे तो हमने ये रमजान के लिए मंगवाई है, लेकिन फिर बस मैंने कहा चलो मैं आज बना देती हूँ रमजान से पहले। और देखें आते इसे खुशबू कैसे इसके पास पहुँच गई और ये आ गया किचन में। गुलाब के पास भी खुशबू पहुँच गई है ना। मेरा अपने जकूटा जिनको पकड़ो ये तंग करेगी हमें। चलो हमारे छोटे से जिन को उठाओ यहाँ से, मोना इसे पकड़ लो, उठाओ यहाँ से, वो भी हम मिल के बैठ के सब खाते हैं। अपनी शर्ट नीचे करो, शर्ट नीचे करो। अंदर से ना मैंने आज बनियान नहीं पहना है क्योंकि ये बहुत रो रही थी। और इसे वही खा ले फिर आपकी ड्रेसिंग ठीक करते हैं। आज मुस्तफा, मुस्तफा आपने बुलाया? पैसे दिए क्या करोगे आप पाकिस्तानी पैसे? क्या जब कुछ मंगवाना होगा? अच्छा जब कुछ मंगवाना होगा। क्या कह रहे कि अब्बू ने मुझे तोहफे में पाकिस्तानी पैसे दिए। चलो बच्चों आ जाओ, सारे सबकी प्लेट्स बन गई है, आ जाओ जल्दी से। ये मलाकों ने ना तंग किया, कोई बर्तन ना रखने नहीं देती। आ जाओ हानिया, आज खाने में मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता। बैंगन को मैंने भून लिया और यहाँ पर मैंने 3 प्याज ले लिए, इनको भी कट करने लगी थी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि पहले जो है ना मैं जैसे ये गरम गरम है ना तो इनका छिलका उतार के इसको मैश करके मैं रख दूँ, फिर उसके बाद जो है मसाले मैं कट करना शुरू करती हूँ। अभी हमारा रमजान प्रिपरेशन का काम फिर से शुरू हो गया। यहाँ पर मैंने आटा ले लिया है और यहाँ पर मेरे पास चीनी है, नमक है और यहाँ पर है हमारे पास ऑयल। कुछ पराठे बना के एक दो दिन के जैसे सहरी के लिए फ्रीज करके हम रख देंगे, एक या दो दिन के बस, ज्यादा नहीं। फिर उसके बाद हम फ्रेश बनाते रहेंगे, ये नहीं कि ज्यादा देर के लिए ना मुझे नहीं बना के रखना। 2 या 3 दिन के लिए जैसे बंदा बना के फ्रीज कर लेता है पराठे तो वो मुझे ज्यादा सही लगता है, जैसे कि 10 दिन की निस्बत 15 दिन की निस्बत ऐसे ठीक है। फिर जल्दी से अभी हम करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे पहले मैंने डाल दी है थोड़ी सी चीनी इसमें। अच्छा चीनी हम इसलिए डालते हैं कि एक तो पराठों का जो टेस्ट है वो अच्छा आता है और दूसरा इसका कलर भी सही निकलता है। चीनी डालने के बाद यहाँ पर मैंने लिया हुआ है नमक, तो अब इनको कर लेते हैं हम मिक्स और उसके बाद फिर मैं डालती हूँ ऑयल। तो चलिए अभी थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालना शुरू करते हैं और आटे को गूंथते हैं। इस छोटी सी जग की वजह से ना मैं बहुत खुश हो रही हूँ क्योंकि 2-3 दिन से ना मैं इसके साथ काम कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छी लग रही है। एक तो हाथ में उठाने में भी ज़्यादा हैवी नहीं है
और दूसरा इसके साथ काम करते हुए मजा आता है। कई की चीजें होती है ना किचन में हो या कहीं पर भी हो ना, तो वो आपकी फेवरेट होती है, आपको उठाने में करने में मजा आता है। जैसे कि कोई ड्रेस होता है आपका फेवरेट होता है, तो इस तरह से मेरी किचन में ना काफी सारी चीजें हैं जो मेरी फेवरेट है, तो ये भी अब मेरी फेवरेट चीजों में शामिल हो गई है। चलिए आटा को मैंने गूंद लिया है, इसको रेस्ट देते हैं, फिर उसके बाद जो है ना हम पराठे बनाना शुरू करेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा ना मैं ऑयल डालने लगी हूँ, अच्छे तरीके से ऊपर वाली जो साइड है उसको हम कवर कर लेते हैं ऑयल से, ताकि इसके ऊपर जो थिक वाली लेयर होती है ना वो ना बने। लेकिन फिर भी मैं इसके ऊपर ढक्कन भी दे के रख देती हूँ, क्योंकि वैसे भी इसे हमें रेस्ट देना है तकरीबन कोई 10 से 12 मिनट के लिए। यहाँ पर अभी हमारे पराठों का जो प्रोसेस है ना वो शुरू हो गया। वहाँ पर कुछ जो है ना मैंने पेड़े बना के रखे हैं। अच्छा पहला पराठा हमारा बन गया, तो कब से ना मैं एक प्लास्टिक का एक डब्बा ढूंढ रही थी, तो मैंने कहा कोई ऐसा मुझे मिल जाए कि जिसमें जो है ना हमारे पराठे बिल्कुल सही पड़ रहे हैं। तो ये लास्ट रमजान में हमने लिया था, मुझे लगा कि ये सही है। इसमें अभी ना मैं ये रखने लगी हूँ, और ये बिल्कुल ना मुझे लगता है ये डब्बा बिल्कुल परफेक्ट है इसके लिए। हमारे यहाँ ये देखिए बिल्कुल मुझे लगता है कि इसके लिए परफेक्ट है, जैसे इसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से स्पेस मिल गई है। तीन पराठे मैंने बना लिए हैं। अच्छा मैंने कहा कुछ बना लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आप सबको दिखाती हूँ। और एक जो है ना मैंने यहाँ पर रख दिए, मैं अभी बनाऊंगी और आप सबको दिखाऊंगी कि ये किस तरह से बनते हैं। और ये देखें एक जो है ना यहाँ पर मैंने अपने हाथ में लिया हुआ है, मैंने कहा चले अभी ना कुछ जो है लास्ट में दो तीन वो मैं अभी आप सबके सामने बना दूँ कि मैंने किस तरह से बनाए। छोटे पेड़े बनाने हैं, ज्यादा बड़े नहीं बनाने। चलिए बस अभी ये थोड़ा सा बचा है लास्ट एक, ये बना लेती हूँ मैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने बना लिया तीन चार, उसके बाद फिर मैं आप सबको दिखा दूँ कि मैंने किस तरह से बनाया पराठा। और फिर पराठे का जो फाइनल लुक है वो भी आप सबको मैंने दिखाना है अभी। तो पहले सिंपल सी ना हम इसकी रोटी बना लेते हैं बेलन से बेल के। पहले रोटी हमारी बन गई है, अब इसके ऊपर क्या करना है, हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ऑयल लगाने के बाद ये देखिए इसको यहाँ से पकड़ के हमने यहाँ तक ले करना है ऐसे। अभी मैंने नाइफ ले लिए और देखिए इस तरीके से ना हमने कट लगाने, कट इस तरीके से हमने लगाने के गहरे गहरे कट लगाने हैं कि वो नीचे तक जाए। ये नहीं हो कि हम ऊपर ऊपर से लगाते हैं, नहीं नहीं इस तरीके के लगाने हमने। ये देखें चलिए अब इसको हम वापस से खोल लेंगे, ये देखिए ऐसे। तो अभी ना हमने क्या करना है, इसको रोल करना है यहाँ से, ये देखिए इस तरीके से छोटा छोटा करना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है हमने, ये देखें यहाँ से किया हमने ऐसे राउंड, इसको दो बार हमने ऐसे राउंड करना है। और फिर यहाँ से इस साइड से हमने घुमाना है इसको, ये देखें ऐसे करके, और ये हो गए हमारे, यानी दो बार हमने इस साइड से राउंड करना है और दो बार इस साइड से। अब हमने क्या करना है, ये इसको पकड़ के इस साइड से ये इसके ऊपर हमने रख देना है। बहुत ही ईजी है और बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी और लेयर वाला पराठा बनता है। इस तरह से हमारा जो है ना डो कंप्लीट हो गया है। अच्छा अभी ये वाला पराठा जो है ना मैं फ्राई करने लगी हूँ, और इसको भी मैं बेल रही हूँ, और बिल्कुल बहुत ही हल्के हाथ से इसे बेलना है। अगर हम ज़्यादा दबाएंगे ना इसकी जो लेयर है वो बिल्कुल गायब हो जाएंगी, वो फिर हमें नहीं मिलेंगी। यानी बिल्कुल हमें प्यार से इसे बनाना है, जितना हम प्यार से बनाएंगे ना तो उतना हमें रिजल्ट जो है इसका अच्छा मिलेगा। चलिए जी हमारा पराठा जो बन के फाइनल हो गया। इसकी ना लेयर में आप सबको दिखाती हूँ। चलिए ये भी थोड़ा सा ठंडा हो गया, और ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बना है। और यहाँ से भी ना इसके लेयर का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ इमली की चटनी। इमली की चटनी के लिए हमें कुछ मसाले जो है वो ड्राई रोस्ट करने हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने डाली ब्लैक पेपर, जीरा डाला है, और उसके अलावा मैंने डाला है धनिया। धनिया के अलावा मैंने यहाँ पर डाली है साबुत लाल मिर्च, और इसमें मैंने थोड़े से सौंफ भी ऐड किए। तो तकरीबन ये कोई 4 से 5 चीज़ें हो गई। तो इन 5 चीज़ों को हमें रोस्ट करना है इमली की चटनी के लिए। चलिए ये लास्ट पराठा था हमारा, ये बन के हो गया तैयार। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि पराठे हमें इस चीज़ से हमें मुतमईन होना चाहिए कि हमारे पराठे बिल्कुल सीधे हैं, स्ट्रेट हैं। जब ये फ्रीज होंगे ना तो फिर ये टेढ़े खड़े ना हो, क्योंकि जब फिर हमने जब उठा के इन्हें बनाना होता है तो उनकी जो शेप है वो ना बिगड़ी हुई है, टेढ़े खड़े ना हो। तो खैर इसलिए बड़े एहतियात से और तरीके से रखे हैं। और इसलिए मैं ना ये कब से ये बॉक्स ढूंढ रही थी कि कोई ऐसा मिल जाए कि जिसमें इनको स्पेस मिल जाए और ये सीधे पड़े रहें। और ये देखें बिल्कुल ना इसमें अब ये सेम है और सही पड़े रहेंगे। तो चलिए चल के अभी इसे मैं फ्रिज में रखती हूँ ताकि ये फ्रीज हो जाए। इमली की चटनी बनाने के लिए ना मैंने कुछ मसालों को यहाँ पे रोस्ट किया, जो कि मैंने अभी आप सबको बता चुकी कि मैंने क्या क्या डाला इसमें। तो अभी ये ठंडे हो गए, इनको अभी हम करने लगे हैं ग्राइंड।
चले मसाला हमारा बनके तैयार हो गया। यहाँ पर है मेरे पास इमली का पानी, मैं अभी इमली की चटनी बनाने लगी हूँ तो वही बता रही हूँ मैं। इमली का पानी मेरे पास, अच्छा ये मैंने लिया था तकरीबन कोई 4 कप के अराउंड मैंने पानी लिया था। और ये देखें, ये रहे 2 पैकेट्स मैंने डाले थे इमली के और मैंने बॉयल किया था उसको। बॉयल करने के बाद मैंने छान के तो ये पानी निकाल लिया। अब इस पानी को मैं दोबारा से इस पैन में डालने लगी हूँ। पानी डालने के बाद अभी मैं इसमें डालने लगी हूँ शुगर। ये रहा हमारा लास्ट चम्मच शुगर का, यानी इसमें मैंने तकरीबन कोई 4 चम्मच डाले। तो अभी मैं डालने लगी हूँ लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद अभी मैंने ले लिया यहाँ पर काला नमक, ये भी डाल देंगे अभी। थोड़ा सा मैंने लिया ये सफ़ेद नमक, बिल्कुल थोड़ा सा है, ये भी मैं इसमें डाल देंगे अभी। और यहाँ पर ले लिया मैंने मसाला जो कि मैंने रोस्ट करके ग्राइंड किया है, तो इसमें से अभी तकरीबन मैं डालने लगी हूँ कोई 1.5 चम्मच इसमें। जब तक हमारी इमली की चटनी बनती है ना, थोड़ी सी गाढ़ी होती है, तो मैंने कहा ग्रीन चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने हरा धनिया ले लिया है और हरी मिर्ची, साथ साथ ये देखिए कुछ लाल मिर्ची भी आ गई है। और यहाँ पर है कुछ लहसुन के जवे हैं मेरे पास और यहाँ पर है मेरे पास पुदीना। हरी मिर्ची और हरा धनिया मैंने डाल दिए, तो अभी डाल देते हैं हम पुदीना। अभी मैं डालने लगी हूँ लहसुन और साथ ही मैं यहाँ से तकरीबन आधे से भी कम जो है ना डालने लगी हूँ। ये ब्लैक पेपर है हमारे पास, ये भी डाल देते हैं इसमें। यहाँ पर अभी मैं ले रही हूँ नमक और थोड़ा सा मैंने ले लिया काला नमक। थोड़ा सा ना अभी मैं डाल दूँगी इसमें पानी, पानी इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। अभी मैंने ले लिया है एक लेमन, ये भी हम डाल देंगे इसमें, लेमन का जूस। हमारी आज की रमजान की प्रिपरेशन इतनी ही थी जो कि मैंने अभी आप सबके साथ शेयर कर दिए। पहला हमने बनाया फ्रोजन पराठे, उसके बाद हरी चटनी बनाई है और इमली की चटनी बनाई है। तो बस यहीं पे मैं अपने व्लॉग को करती हूँ एंड, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हम कुछ और बनाएंगे रमजान के लिए। और आप सबकी रमजान की तैयारी, रमजान की प्रिपरेशन कैसी चल रही है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और बहुत बिजी हो जाती हूँ मैं, इसलिए मैं कमेंट्स नहीं रीड कर रही। आप सब कह रहे हैं कि मैं आजकल कमेंट्स रीड नहीं कर रही, सच में टाइम इतना बिजी हो गया ना कि, और ऊपर से फिर रमजान की तैयारियां भी हो रही हैं, तो इस वजह से ज़्यादातर जो मेरा भी टाइम है ना वो किचन में गुजर जाता है और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो इसी रमज़ान की तैयारियों के साथ साथ हमें घर के और भी काम देखने होते हैं और बस ये तैयारियाँ इसलिए हो रही हैं ताकि रमज़ान में हमारा टाइम बच सके, तो हम बस थोड़ा सा फोकस कर सकें इबादत पे। और मिलते हैं बस नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपनी ढेर सारी दुआ में हमें याद रखें। और हमारी आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।